नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। महाराष्ट्र का समीकरण बदलने वाला है, यानी दोनों बड़ी पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस दोनों के विधानसभा चुनाव के तहत जो गठबंधन चल रहे थे वो अब टूट चुके हैं। सवाल यह है कि आखिर दोनों ही पार्टियां के बीच में ऐसा क्या हुआ, यानी दोनों गठबंधनों के बीच में ऐसा क्या कुछ हुआ कि जहां पर चारों पार्टियों की राहें यहां पर जुदा हो गई। बीजेपी शिवसेना की बात की जाए तो 25 साल पुराना गठबंधन था। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आधिकारिक घोषणा कर दी, जिसमें उन्होंने कहा है कि दोस्ती बरकरार है लेकिन गठबंधन टूट जाएगा। साफ तौर पर केंद्र की तरफ इशारा करने की कोशिश की गई है, जहां पर कैबिनेट में उद्धव ठाकरे की पार्टी को एक जो सीट दी गई है वो अभी बची रहेगी, यानी गठबंधन अभी कांग्रेस अभी केंद्र में यहां पर बचा रहेगा। लेकिन कांग्रेस एनसीपी के बीच में जो गठबंधन चल रहा था 144 सीटों को लेकर, जहां पर बंटवारे की बात की जा रही थी, 50-50 का फॉर्मूला बार बार रखा जा रहा था, उस पर भी कहीं ना कहीं एक जो दरार है वो पड़ चुकी है। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस और एनसीपी के गठबंधन में जो लगातार तलवार लटक रही थी वो बीजेपी शिवसेना के गठबंधन टूटने के बाद अब सामने आई है। क्या कांग्रेस एनसीपी के गठबंधन में एनसीपी इंतजार कर रही थी कि बीजेपी और शिवसेना गठबंधन टूटे उसके बाद जो है यहां पर ऐलान किया जाए। घाटा किसका हुआ है? अब विधानसभा चुनाव में चारों पार्टियां अलग अलग तरीके से अपना चुनाव लड़ने वाली है। सवाल यह है कि अब फायदा और नुकसान किस पार्टी का यहां पर होने वाला है? चारों पार्टियां अब अलग अलग चुनाव लड़ेंगी। उद्धव ठाकरे, जिन्होंने पहले ही मुख्यमंत्री पद का दावा अपना ठोक दिया था, बीजेपी ने आरोप लगाया कि शिवसेना कहीं ना कहीं अहंकारी हो गई है। वहीं शिवसेना का कहना है कि बीजेपी कहीं भी अपना अड़ियल रुख छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। कांग्रेस एनसीपी के बीच भी लगातार बातचीत चल रही थी, लेकिन वो तमाम बातचीत के दौर कहीं ना कहीं विफल होते हुए नजर आए हैं। नतीजा शून्य रहा है और अब गणित जो है बीजेपी विधानसभा चुनाव का महाराष्ट्र में वो बदलने वाला है। किस तरीके से अब इतने कम दिनों के अंदर चारों पार्टियां अपने विधानसभा चुनाव के अंदर तैयारी करने वाली हैं, इसी पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं आपके साथ, उनका परिचय आपसे करवाते हैं। हम मेरे साथ इस वक्त अशोक गोयल साहब मौजूद हैं बीजेपी की तरफ से, दुष्यंत कुमार शर्मा कांग्रेस की तरफ से मुझे ज्वाइन करेंगे। गोयल साहब, दावे भले ही किए जा रहे थे बीजेपी की तरफ से, शिवसेना की तरफ से, आखिरकार इस गठबंधन का अंत हो गया, दोस्ती को अब आप कहीं ना कहीं इस गठबंधन का नाम दे रहे हैं कि दोस्ती बरकरार रहेगी। देखिए, स्वाभाविक रूप से 25 वर्षों का साथ रहा है और पूरा प्रयास किया गया हमारी पार्टी की ओर से किसी भी तरीके से गठबंधन हो जाए। सारे देश ने देखा है कि हमने बहुत लचीले रुख के साथ में बातचीत हमेशा की, अनेकों बार प्रस्ताव दिए, लेकिन ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं एक जो आंकड़ा 150-151 का था उसको शिवसेना किसी भी कीमत पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। बहुत कुछ प्रयास के बाद में लगा कि शायद हमारे और जो अन्य सहयोगी दल हैं उनके साथ न्याय नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में मजबूर होकर ये गठबंधन लगता है कि तोड़ने के लिए विवश हमें किया गया है। तो कहीं ना कहीं लेकिन दोस्ती की बात अभी बीजेपी की तरफ से की जा रही है। सवाल यह है कि अब किस तरीके का गणित यहां पर इस्तेमाल किया जाएगा, फॉर्मूले? अब तक बीजेपी और शिवसेना के बीच में गठबंधन बचाने के जो किए गए वो तमाम फेल रहे, और उधर कांग्रेस और एनसीपी की भी बिल्कुल वैसी ही तस्वीर उभर कर सामने आई है, यानी दोनों ही पार्टियों के गठबंधन, चारों ही पार्टियों के गठबंधन एक साथ यहां पर टूटे हैं। सवाल यह है अब किस तरीके से नई बिसातें यहां पर विधानसभा चुनाव में बिछाई जाएगी। एक आपको रिपोर्ट दिखाते हैं और समझाते हैं कि अब किस तरीके से यहां पर गणित बदलने वाले हैं विधानसभा चुनाव के। 25 साल पुरानी दोस्ती टूटी, क्या है गठबंधन टूटने की 10 बड़ी वजह? अब किसकी बनेगी महाराष्ट्र में सरकार? कहते हैं कि क्रिकेट और चुनाव अनिश्चितताओं के खेल हैं, इनके नतीजों के बारे में भविष्यवाणी करना नासमझी होती है और फिर कभी कभी अनहोनी भी होती है। किसी भी गठबंधन को चलाने के लिए आपसी भरोसा पहली शर्त होती है और गठबंधन की दूसरी शर्त कि इससे दोनों को फायदा। लेकिन बीजेपी और शिवसेना गठबंधन में ये दोनों शर्तें 25 साल बाद कामयाब नहीं हुई। बीजेपी शिवसेना गठबंधन की गांठ खुल गई है, दोनों के बीच का 25 साल पुराना गठबंधन आखिरकार टूट गया है। पिछले कई दिनों से चली आ रही अटकलों पर ब्रेक लगाते हुए महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गठबंधन टूटने का ऐलान किया। पिछले कई दिनों से हम लोग
इस युति को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, पर लगातार यह ध्यान में आता है कि एक आंकड़े के इर्द गिर्द हमारी सारी बातचीत घूम रही है और उसमें हमारे मित्र पक्षों को जिस प्रकार से अकोमोडेट किया जाना चाहिए, हमको जिस प्रकार से अकोमोडेट किया जाना चाहिए, वो हो नहीं रहा। हम लोगों ने ये निर्णय किया है कि हम लोग हमारे जो साथी हमारे साथ हैं उन साथियों के साथ अपना मार्गक्रमण करेंगे। परसों फॉर्म भरने का आखिरी दिन है और इसके चलते हम लोग अपना मार्ग पकड़कर कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस मुक्त महाराष्ट्र करने की दृष्टि से अग्रसर होंगे। गठबंधन टूटने की 10 बड़ी वजह, मोदी उद्धव के रिश्ते। बीजेपी और शिवसेना में गठबंधन टूटने की मुख्य वजह नरेंद्र मोदी और उद्धव के अच्छे रिश्ते नहीं होना है, जिसके कारण लोकसभा चुनावों के पहले शिवसेना ने पीएम मोदी के उम्मीदवार के रूप में मोदी को सही नहीं माना था, जिस कारण मोदी और उद्धव में रिश्ते सही नहीं थे। सीएम पद का मोह, महाराष्ट्र का सीएम कौन सी पार्टी का होगा, ये मुख्य वजहों में एक थी, जहां शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में भी कहा था कि तुम दिल्ली और हम महाराष्ट्र संभालेंगे और सीएम की गद्दी शिवसेना की ही होगी, ने भी दोनों के बीच दरार पैदा कर दी। जीत की प्रबल संभावनाएं, लोकसभा चुनावों में दोनों पार्टियों के अच्छे प्रदर्शन के कारण ही दोनों पार्टियां अपने को एक दूसरे के सामने झुकने नहीं दे रही थी, जो दोनों ही पार्टियों के गठबंधन टूटने का कारण रही। बीजेपी का बढ़ा कद, मोदी लहर के चलने के कारण जहां पहली बार पूरे देश में पहली बार बीजेपी ने पूर्ण बहुमत से देश में सरकार बनाई और महाराष्ट्र में भी बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया, जिस वजह से बीजेपी ने अकेले लड़ने का फैसला किया। बाल ठाकरे का न होना, बाला साहब ठाकरे का न होना भी दोनों पार्टियों के गठबंधन टूटने की वजह रही, क्योंकि पार्टी के दिग्गज के अनुभव भी पार्टियों में गठबंधन बनाए रखने में एक प्रमुख किरदार निभाते हैं। मोदी के राज ठाकरे से अच्छे रिश्ते, शिवसेना से अलग होकर राज ठाकरे ने अपनी अलग पार्टी मन से बनाई और नरेंद्र मोदी ने राज ठाकरे के साथ अच्छे रिश्ते बनाने की पहल की, जो शिवसेना को ठीक नहीं लग रहा था। प्रमोद महाजन गोपीनाथ मुंडे का न होना, बीजेपी के दो दिग्गजों का अब न होना भी इस गठबंधन के टूटने की वजह रही है। इन दोनों नेताओं ने बीजेपी और शिवसेना में दोस्ती कराई थी और महाराष्ट्र में कांग्रेस की लहर को कमजोर किया था। छोटे दलों का ख्याल नहीं रखना, बीजेपी ने गठबंधन टूटने में शिवसेना पर आरोप लगाया है कि शिवसेना ने छोटे दलों का ख्याल नहीं किया और छोटे दलों को ज्यादा सीटें देने से मना कर रही थी। मोदी कैबिनेट में शिवसेना को कम जगह, मोदी कैबिनेट में शिवसेना से केवल एक ही मंत्री बनाया गया और जो मंत्रालय केवल मामूली है, जिससे शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे नाखुश थे। इसी कारण भी दोनों गठबंधन के बीच दरार आ रही थी। सुदर्शन न्यूज के लिए मोहित शर्मा की रिपोर्ट। तो ये तमाम 10 कारण हैं जिसमें कहा जा सकता है कि बीजेपी और शिवसेना के बीच में जो दरार पड़ी है 25 साल पुरानी दोस्ती में, गठबंधन में, वो इन तमाम कारणों की वजह से आए हैं। गोयल साहब, क्या मोदी और उद्धव ठाकरे के बीच में जो परिस्थितियां पहले सामने आई थी वो एक बार फिर से उजागर हो गई हैं और उस पर अब ये गठबंधन टूटना एक मोहर है, स्टैंप है? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा ये मानना है कि अगर जरा सा भी राजनीति में हम लोग साथ चलना चाहते हैं तो हमें लचीला रुख रखना चाहिए। अगर हम कहीं केवल एक किसी बिंदु को लेकर अड़ जाएं और वास्तविकता से हम मुकर जाएं। नहीं, शिवसेना तो कह रही है अभी सीटें कम कर दी थी अपनी तरफ से, अभी समझिए ना, अभी लोकसभा का चुनाव होकर निपटा है। वर्तमान दौर में 24 में से 23 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने वहां जीती,
जबकि शिवसेना ने 20 में से 18 सीटें जीती। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी सीटें ऐसी थी विधानसभा की जहां पर शिवसेना का प्रदर्शन अच्छा नहीं था। भारतीय जनता पार्टी शुरू में 140 सीट की मांग कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे कोशिश की कि किसी भी तरीके से आपस में रजाबंदी बन जाए, ठीक, और सभी को एकमोडेंट करते हुए 135 सीटों का प्रस्ताव, बहुत ठोस प्रस्ताव दिया गया था। हमने हर समय अपने आप को प्रस्तुत किया कि भाई ये गठबंधन है और महाराष्ट्र की जनता, वहां के कांग्रेस और जो एनसीपी के साथ एक गठबंधन की जो कुशासन युक्त सरकार चल रही है उसको हटाना चाहती है। लेकिन अब जनता ने यह भी देखा कि हमने अपनी तरफ से पूरे प्रयास के बावजूद हमने आखिर तक 127 का, जिस जीत की आप यहां पर जिक्र कर रहे हैं उसी जीत को कहीं ना कहीं कारण बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से आप लोगों को जीत मिली उसके बाद दोनों पार्टियों को शायद यह लगने लगा है कि वो अपने दम पर महाराष्ट्र में सरकार बना सकते हैं। देखिए, आप जो बात कह रहे हैं, निश्चित रूप से कोई भी राजनीतिक दल हो हमेशा मान सम्मान और बराबरी के आधार पर ही कोई फैसला चाहेगा। उसके बावजूद भी वर्तमान सारी परिस्थितियों में हमने पूरा प्रयास किया कि किसी भी तरीके से ये गठबंधन बना रहे, और जब गठबंधन को ऐसा लगा कि बिल्कुल पूरी तरीके से हमको नकारा जा रहा है, छोटे दलों को भी नकारा जा रहा है, तो ये परिस्थिति पैदा जब कर दी गई और 151 और उसके बाद 150 और उसके बाद जीरो, सेना नकार रही थी या बीजेपी नकार रही थी? बीजेपी ने कहा नकारा, 140 के बाद 135 का आंकड़ा दिया। तो आरपीआई अध्यक्ष जो अठावले साहब हैं वो उद्धव ठाकरे से मिलने क्यों जाते हैं, बीजेपी के साथ बातचीत क्यों नहीं करते? ये सारे विषय वही लोग जवाब दे पाएंगे जो वहां के स्थानीय हैं। बिल्कुल, यहां पर सवाल लेकिन यही उठता है कि क्या बीजेपी और शिवसेना दोनों के अंदर अहम आ गया है? पंकजा मुंडे से बातचीत की मेरे सहयोगी संजय दबे ने, उन्होंने क्या कुछ कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, आइए वो सुनते हैं। जिस युति की नींव गोपीनाथ जी ने रखी थी, आखिरकार ये टूटा है, क्या कहेंगे? ये टूटने से सबका दिल भी टूटा है, बहुत बुरा लग रहा है हमें इस बारे में। मैं भी बहुत दुखी फील कर रही हूँ, पर हमारे पास टाइम नहीं है। कल परसों लास्ट दिन है नॉमिनेशन के, और हमारे साथ पहले युति थी, अभी महायुति है, सारे छोटे पक्ष हमारे साथ जो है उनको भी हम डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते, डिसहार्टन नहीं कर सकते। तो ये निर्णय दुख, आगे क्या रहेंगे, रणनीति क्या रहेगी? रणनीति अभी कांग्रेस और राष्ट्रवादी मुक्त सरकार राज्य में। तो ये थी जी। तो ये थी पंकजा मुंडे, जिन्होंने कहा कि जिस प्रकार से गोपीनाथ मुंडे ने 25 साल से इस युति की नींव रखी थी, आज तोड़ने के लिए भारी दुख हो रहा है। लेकिन हमारा एक ही मकसद है, महाराष्ट्र को कांग्रेस और एनसीपी मुक्त करना। कैमरामैन जतिन सोलंके के साथ मुंबई से सुदर्शन न्यूज के लिए संजय दवे। तो महाराष्ट्र को कांग्रेस मुक्त होने की बात किया जा रही है, लेकिन सवाल यह है अशोक गोयल साहब, जिस चीज को आप लोग एक साथ लेकर आगे बढ़ रहे थे, जिस भगवा रंग की बात की जा रही थी, अब आपको लगता है कि शिवसेना आपका साथ देगी? देखिए, राजनीति में कब क्या होगा इसके बारे में कयास लगाना या अटकलों के आधार पर बात करना उचित नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा है कि आज देश की जनता क्या चाहती है, और महाराष्ट्र की जनता इस देश के अंदर है, भारत के अंदर ही है, और देश सुशासन चाहता है। और मोदी जी ने अपने 110-15 जितने भी दिन बीते हैं इस देश के विकास को पटरी पर लाने के लिए, इस देश के आम गरीब के लिए, इस देश को रोजगार के लिए, साधन उपलब्ध कराने के लिए जो कुछ भी बेहतर से बेहतर करने का प्रयास किया है वो देश के सामने है। हम अपने केंद्र की सरकार के कार्यों को लेकर, अपनी भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र में पुराने इतिहास को लेकर, जनता के बीच सुशासन का संदेश लेकर जाएंगे, और निश्चित रूप से हम नहीं, दरअसल क्या है कि परिस्थितियां जो हैं पूरी तरीके से साफ नहीं की जा रही हैं। गठबंधन तोड़ने की एक तरफ बात की जा रही है, एक तरफ दोस्ती निभाने की बात की जा रही है। सवाल यह है कि केंद्र में आप लोग एक साथ रहने वाले हैं, कहीं ना कहीं ये संकेत दिए गए हैं जिस तरीके से कैबिनेट में भी हैं, शिवसेना के मंत्री हैं। सवाल यह है कि अब इसे किस तरीके से परिभाषित किया जाएगा, अब आप जनता के बीच क्या चीज लेकर जाने वाले हैं? मैंने आपको अभी बताया कि जनता के बीच विकास का मुद्दा लेकर हम जाएंगे, और विकास का जो मॉडल या विकास का जो हमने एक
विजन जनता के सामने रखा है, आम गरीब पिछड़े दलित सबका विकास हो और सबका साथ और सबका विकास का जो एक सपना मोदी जी ने पूरे देश में साकार करने का पूरा प्रयास किया है, हम उसी आधार पर जनता के बीच जाएंगे। जहां तक आप बात कह रहे हैं केंद्र में बीजेपी वहां भी तो सवाल पूछा जाएगा ना, फिर आपसे वहां भी पूछा जाएगा आखिर गठबंधन को क्या हुआ, पूछा जाएगा तो की बात पूछा, की जा रही थी। पूछा जाएगा तो कांग्रेस एनसीपी भी मुक्त की बात की जा रही थी। अभी तो ये ताजा ताजा आज की सामयिक निर्णय है, जब पूछा जाएगा तो उसका भी उचित उत्तर समय पर दिया जाएगा। मेरा ये मानना है कि हमने गठबंधन हर तरीके से चालू रखने की कोशिश की, हमने हर संभव प्रयास किया और जैसा कि मैंने भी अभी दूरदर्शन पर थोड़ी देर पहले इन पर चैनल्स पर देखा कि 127 तक हम लोग आए समझे। लेकिन अगर कहीं सामने वाला पक्ष किसी भी प्रकार से कहीं 1, 2, 3, 4 सीटों के लिए इतने पुराने गठबंधन को ठुकरा देता है, शिवसेना की तरफ से दावा किया जा रहा है कि हम तो 169 से घटकर 150 पर आ गए थे और 150 से घटकर 148 पर आ गए, लेकिन शिवसेना का कहना है कि बीजेपी अपना रुख नहीं छोड़ रही थी, कहीं ना कहीं बीजेपी को अपना शायद वो अहम हो गया। ये सारी चीजें स्पष्ट हैं, सारे आंकड़े स्पष्ट हैं, कोई चीज छिपी नहीं है और ये भी छिपा हुआ नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जब जब वहां चुनाव लड़ी है और शिवसेना भी चुनाव लड़ी है, लेकिन क्रेडिबिलिटी के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की जो सीट जीतने की जो वो है रेट है वो ज्यादा है। अगर कम सीटें भी हमको मिली, इसी कम सीटें भी हमको मिली तो क्रेडिबिलिटी के कारण कहीं ना कहीं बीजेपी को ना 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 ये क्रेडिबिलिटी की वजह से परेशान। अगर ऐसा होता तो हम प्रयास नहीं करते, हम 140 के बाद 127 पर आने की कोशिश नहीं करते, वो शुरू से ही 151 पर थे, आखिर भी 150 पर ही रहे हैं समझे। हमने तो पूरा प्रयास किया हर तरीके से, ये चीज सारी जनता ने देखा है। हमारा पक्ष पूरी तरीके से स्पष्ट है और ये जो कुछ भी आज हमारे नेताओं ने निर्णय लिया है वो बहुत सोच समझ कर निर्णय लिया होगा और जनता के बीच जाना है, फैसला जनता के हाथ है, जनता देखेगी। नहीं, उद्धव ठाकरे साहब कहते हैं कि वो मुख्यमंत्री पद का अगर उन्हें जिम्मेदारी मिलती है उसे निभाने के लिए तैयार हैं। तो ये मुख्यमंत्री पद की लड़ाई थी, कहीं ना कहीं बीजेपी को लग रहा था कि केंद्र में जिस तरीके से सत्ता संभाली है उसके बाद महाराष्ट्र में भी संभाल ली जाए, मुझे ऐसा प्रतीत नहीं होता। नहीं, उस सवाल तो उसी के बाद ज्यादा शुरू हुए, अगर उद्धव ठाकरे ने सामने आकर कह दिया या शिवसेना की तरफ से इस तरीके की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई, सवाल तो उसके बाद ही शुरू हुए। देखिए फिर वही बात आ गई, राजनीतिक दल काम करते हैं, 15 साल से वहां सत्ता किसी भी हमारे दोनों दलों में से नहीं है। वहां एक तरीके से किसानों के आत्महत्या का मामला हो, दुकानदारों पर जुल्म का मामला हो, बहुत सारी चीजें हैं, LBT का मुद्दा हो और बहुत सारे मुद्दे हैं। वहां की आम जनता वहां से छुटकारा चाहती है, NCP कांग्रेस के गठबंधन से मुक्त होना चाहती है और इस मुक्त होने के दौर में हम लोग चुनाव लड़ें और चुनाव लड़ने के बाद में डिसीजन आए उसके आधार पर निर्णय हो, ये बात तो समझ में आती है। लेकिन कहीं भी कोई भी जिद हमारी तरफ से किसी प्रकार की कहीं रही नहीं है, हमने पूरे लचीले रुख के साथ में भारतीय जनता पार्टी को पूरा ये कोशिश की है कि भाई हमारा सहयोगी दल पुराना रहा है और ये समझौता बीजेपी की तरफ से बार बार दावा यहां पर जरूर ये किया जा रहा है कि उन्होंने पूरी कोशिश की है। हालांकि शिवसेना का कहना है कि बीजेपी ने अपना अहम दिखाया है, लोकसभा चुनाव की छाया विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र पर भी देखने को मिली है, बीजेपी के अड़ियल रुख की वजह से या यहां शिवसेना को इग्नोर करने की वजह से। लेकिन शिवसेना शायद अपने लिए यहां पर नए रास्ते तलाश रही है विधानसभा चुनाव में। उद्धव ठाकरे को लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो सत्ता जो है वो कब्जा सकते हैं मुख्यमंत्री के रूप में महाराष्ट्र चुनाव में। वहीं राजनीतिक गलियारों में इस गठबंधन के टूटने के बाद किस तरीके की प्रतिक्रियाएं आई हैं वो सुन लेते हैं। नहीं, ये तो सत्ता का संघर्ष है और मैं समझता हूं कि इसमें भारतीय जनता पार्टी ज्यादा जिम्मेदार है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को तो पूरा राष्ट्र मिल गया और उनको कम से कम महाराष्ट्र में शिवसेना को उनको मौका देना चाहिए था। और मैं समझता हूं कि गठबंधन का मतलब यही होता है, गिव एंड टेक होता है। लोकसभा में आपने उनसे मदद लिया, अगर कल को कोई क्राइसिस होता तो शिवसेना आपके साथ खड़ी होती। एक जो बड़ा दिल होना चाहिए बड़ी पार्टी होने की हैसियत से, वो नहीं है। बड़ी पार्टियां छोटे दलों के साथ
मत से न्याय करते हैं, उसी का ये नतीजा है। वो अपना मनमानी चलाना चाहती है। तो अगर शिवसेना ये कह रही थी कि भाई दिल्ली में आप राज कर रहे हैं तो हमको यहाँ राज करने दीजिए, झगड़ा तो मुख्यमंत्री का था। तो ये सब जगह मोदी जी की जो प्रवृत्ति है तो एकाधिकारवादी है, पूरी सब चीज को पूरे मंत्रिमंडल को मुट्ठी में रखे हुए हैं। तो इससे तो आगे चल करके उनको परेशानी पैदा होगी। 25 साल की विवाही संबंध ये खत्म हो रहे हैं और पति पत्नी दोनों के दरमियान आपस में एक दूसरे के खिलाफ शक की गुंजाइश पैदा हो गई है। और अब ऐसा है कि महायुति कहकर आप 6 पार्टियों की एक फ्रंट बनाकर चलते हैं, जब तो उसकी कीमत आपको ऐसे समय पर अदा करनी पड़ती है कि जब टिकट बांटने का टाइम आता है, जब सीटों के बंटवारे की बात आती है, आप सबका समाधान नहीं कर सकते, आप सबको साथ लेकर चलने के लिए सबको संतुष्ट नहीं कर सकते और नतीजा ये होता है कि बगावत हो जाती है। और जो अभी इनमें हुआ है, साथ चलें अलग चलें हमारे लिए कोई खास फर्क नहीं पड़ता। हमारी पूरी तैयारी महाराष्ट्र में है कि हम उनको अकेले भी निपटेंगे और साथ में भी निपटने के लिए तैयार। बहुत ही एक हास्यास्पद वाक्य है, सत्ता की ललक है, जो ललक पूरी नहीं होने वाली, वो इतनी ज्यादा प्रभावी थी कि एक सांप्रदायिकता पर आधारित जो गठबंधन था वो टुकड़े टुकड़े हो गया। तो इसलिए महाराष्ट्र के लोगों को ये तय करना है कि एक तरफ वो राजनीतिक पार्टियां हैं जिन्होंने महाराष्ट्र की जनता की सेवा की है और दूसरी तरफ ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो शायद सिर्फ स्वयं सेवा में विश्वास रखती हैं। पहले जनता दल यू, फिर हरियाणा में जनहित कांग्रेस, फिर सेना और फिर अकाली दल बादल, आज पंजाब में श्री ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व वाले लोकदल के साथ आ गया। और अब बीजेपी की चुके जब से दिल्ली में अकेले सरकार बन गई, उन्हें किसी मित्र साथी की आवश्यकता भी। भाजपा के बुरे दिन आने वाले हैं और गैर भाजपाई दलों के अच्छे दिन आने वाले। गोयल साहब, जिस तरीके से एक लिस्ट यहां पर गिनवाई जा रही है विरोधियों की तरफ से, ये जो करार आपके टूट रहे हैं, गठबंधन जो टूट रहे हैं, ये फहरिस्त लंबी होती जा रही है, इसका क्या कारण है? देखिए, राजनीति महत्वाकांक्षाओं का खेल है और ये लोग जो बोल रहे हैं इनको हक नहीं है भारतीय जनता पार्टी के बारे में कुछ कहने का। ये अपने घर को संभालने की स्थिति में नहीं है। अभी ढाई ढाई साल के मुख्यमंत्री के आधा तुम कर लो आधा हम कर लो, मिल मिल के मिल बांट के खा लो, ये सब बात भी चल रही थी, ऐसा ही मैंने आज भी देखा। तो मुझे लगता है कि ये लोग जो है कहीं ना कहीं गलतफहमी में जी रहे हैं और जनता ने इनके बारे में निर्णय भी कर दिया है और ये निर्णय बहुत स्पष्ट संदेश के रूप में सारे देश के सामने है। नहीं, अगर ये जो गठबंधन इतने कम वक्त में टूटा है, आपको क्या लगता है, आखिरी कमेंट आपसे चाहता हूं, ये इसका नुकसान आप लोगों को होने वाला है या शिवसेना को होने वाला है? कम वक्त का मतलब आप ये कह रहे हैं कि दो दिन पहले एक दिन पहले क्यों टूटा है? तो मेरा ये मानना है कि आखिरी टाइम तक हम लोगों का ये कोशिश रही, भारतीय जनता पार्टी के लोग बराबर ये कोशिश करते रहे किसी भी तरीके से गठबंधन होना चाहिए और ये गठबंधन हो जाए। लेकिन जब गठबंधन होने के लिए कोई दूसरा पक्ष कहीं किसी जगह खड़ा हो जाए कि मैं तो यही हूं इसके अलावा नहीं हूं, तो कहीं ना कहीं मैं कई बार ये बात कह चुका हूं, तो कहीं ना कहीं ऐसा होता ही है। ठीक है, गठबंधन जरूर टूटा है, न्याय के प्रति फिर खड़ा होना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन सवाल यह है कि जनता के बीच में क्या मैसेज गया है, क्या इस गठबंधन के टूटने से दोनों पार्टियों को नुकसान नहीं होगा? हालांकि परिस्थितियां कांग्रेस और एनसीपी की बिल्कुल वैसी हैं। गोयल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। वॉइस ऑफ दर्शन न्यूज का आज का सवाल है, क्या महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना गठबंधन टूटने से बीजेपी को फायदा होगा? आप अपने जवाब हां या ना में भेज सकते हैं। जवाब के लिए आप एसएमएस कर सकते हैं। एसएमएस करने के लिए अपने मैसेज बॉक्स में जाएं, SUT लिखें, फिर स्पेस दें, फिर अगर आपका जवाब हां है तो यस लिखें और अगर ना है तो नो लिखें। इस मैसेज को आप 08750047855 पर भेज दें। आप अपने जवाब हमारी वेबसाइट www.sudarshannews.com पर जाकर भी दे सकते हैं। सवाल का जवाब
अगले दिन रात 9 बजे के शो में दिखाया जाएगा। तो कल रात 9 बजे के शो से पहले अपनी प्रतिक्रियाएं आप हम तक पहुंचा सकते हैं। वहीं सुदर्शन न्यूज ने जो सवाल कल आपसे पूछा था, क्या गलत तरीके से कोल ब्लॉक बांटने वाले नेताओं को सजा होनी चाहिए, इस सवाल के जवाब में जो प्रतिक्रियाएं हम तक आई हैं उसमें ज्यादातर लोगों का मानना है हां, यानी 76% का और 24% का नहीं। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी का खत्म हुआ या आना नहीं बन पाई, सीटों के बंटवारे पर बात बोली बीजेपी, शिवसेना ने नहीं रखा हमारा ख्याल। एनसीपी कांग्रेस का भी टूटा 15 साल पुराना गठबंधन, एनसीपी ने कांग्रेस पर फोड़ा गठबंधन टूटने का ठीकरा, अजीत पवार ने कही सरकार से बाहर होने की बात। अमेरिका के लिए रवाना पीएम नरेंद्र मोदी, 27 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र को करने वाले हैं संबोधित, तो 29 और 30 से ओबामा से होगी मुलाकात। भारत में पीएम मोदी ने किया मेक इंडिया का आगाज, तो बोले पीएम नरेंद्र मोदी सिर्फ सुशासन नहीं प्रभावी सुशासन चाहिए, एफडीआई से बदले की देश की तस्वीर। भारत से चीन का कंपटीशन, मेक इन इंडिया को टक्कर देने के लिए लॉन्च की मेड इन चाइना, बड़ा सवाल क्या मोदी की योजनाओं से सतर्क और रागत। और मंगलयान की कामयाबी से शुरू हुआ नया अध्याय, मंगल ग्रह से मिली पहली तस्वीर, इसरो ने तस्वीर को किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और आपके साथ मैं हूं अंजलि। महाराष्ट्र में बीजेपी ने शिवसेना से 25 साल पुराना गठबंधन तोड़ लिया है। गुरुवार को बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुंबई में यह ऐलान कर दिया गया है। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि शिवसेना मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर अड़ी हुई थी। बीजेपी के मुताबिक शिवसेना ने उन्हें कई प्रस्ताव दिए लेकिन उनमें से किसी में भी शिवसेना के हिस्से की सीटों में कमी नहीं आई। हर बार या तो हमारी सीटें कम हो रही थी या हमारे सहयोगी दलों की। साथ ही फडणवीस ने यह भी कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान उनकी पार्टी शिवसेना पर हमले नहीं करेगी और शिवसेना से भी वो ऐसी ही उम्मीद कर रहे हैं। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामांकन के लिए अब सिर्फ 2 दिन का वक्त बचा है। नामांकन के समय की समय सीमा 27 सितंबर की शाम खत्म हो जाएगी। दोनों ही पार्टियों के नेता आला नेताओं पर अकेले चुनाव लड़ने का दबाव डाल रहे थे। तो आइए आपको सुनाते हैं कि महाराष्ट्र बीजेपी के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा। हमारे कोर ग्रुप ने यह निर्णय लिया है कि अभी शिवसेना का साथ का ये 25-30 साल का जो आदर्श है हमारा, जो युति हमारी है, हम आज खत्म करने वाले हैं। ये खत्म हो चुकी है, खत्म हो चुके हैं। और कल से भारतीय जनता पार्टी अलग ढंग से अपने इस पर ये महाराष्ट्र कांग्रेस मुक्त करने के लिए उस दिशा में कदम उठाएगी। हम उस दिशा में काम करेंगे, हमारे उम्मीदवारों का चयन करके वही काम हम भरेंगे। मेरी अपेक्षा है कि इतने साल साथ में रहने के बाद इलेक्शन में हम दोनों, शिवसेना और बीजेपी का ध्येय एक है, कांग्रेस मुक्त महाराष्ट्र करना। पिछले कई दिनों से हम लोग इस युति को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, पर लगातार यह ध्यान में आता है कि एक आंकड़े के इर्द गिर्द हमारी सारी बातचीत घूम रही है और उसमें हमारे मित्र पक्षों को जिस प्रकार से अकोमोडेट किया जाना चाहिए, हमको जिस प्रकार से अकोमोडेट किया जाना चाहिए, वो हो नहीं रहा। हम लोगों ने ये निर्णय किया है कि हम लोग, हमारे जो साथी हमारे साथ हैं, उन साथियों के साथ अपना मार्गक्रमण करेंगे। परसों फॉर्म भरने का आखिरी दिन है और इसके चलते हम लोग अपना मार्ग पकड़कर कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस मुक्त महाराष्ट्र करने की दृष्टि से अग्रसर होंगे। तो वहीं जेडीयू ने बीजेपी शिवसेना के गठबंधन टूटने पर आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी को किसी की जरूरत नहीं है। बड़ी पार्टियां छोटे दलों के साथ मत्स्य न्याय करती है, उसी का ये नतीजा है। वो अपना मनमानी चलाना चाहती है,
तो अगर शिवसेना ये कह रही थी कि भाई दिल्ली में आप राज कर रहे हैं तो हमको यहाँ राज करने दीजिए, झगड़ा तो मुख्यमंत्री का था। तो ये सब जगह मोदी जी की जो प्रवृत्ति है तो एकाधिकारवादी है, पूरी सब चीज को पूरे मंत्रिमंडल को मुट्ठी में रखे हुए हैं। तो इससे तो आगे चल करके उनको परेशानी पैदा होगी। पहले जनता दल यू, फिर हरियाणा में जनहित कांग्रेस, फिर सेना और फिर अकाली दल बादल, आज पंजाब में श्री ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व वाले लोकदल के साथ आ गया। और अब बीजेपी की चुके जब से दिल्ली में अकेले सरकार बन गई है, उन्हें किसी मित्र साथी की आवश्यकता नहीं। भाजपा के बुरे दिन आने वाले हैं और गैर भाजपाई दलों के अच्छे दिन आने वाले। तो चले, भाजपा के बुरे दिन आने वाले हैं, जेडीयू के नेता ने दावा किया। ऐसे के साथ आपको बता दें कि बीजेपी शिवसेना गठबंधन के टूटे जाने पर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी। बहुत ही एक हास्यास्पद वाक्य है कि सांप्रदायिकता की जो गोंद है वो भाजपा शिवसेना का के गठबंधन को कायम नहीं रख पाई, और जो सत्ता की ललक है, जो ललक पूरी नहीं होने वाली, वो इतनी ज्यादा प्रभावी थी कि एक सांप्रदायिकता पर आधारित जो गठबंधन था वो टुकड़े टुकड़े हो गया। तो वही महाराष्ट्र की राजनीति में नया मोड़ आ गया है। बीजेपी शिवसेना का गठबंधन टूटने के बाद एनसीपी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही एनसीपी नेता अजीत पवार ने महाराष्ट्र सरकार से भी अलग होने का ऐलान कर दिया है। साथ ही गठबंधन टूटने का सारा आरोप लगाते हुए एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा है कि 15 साल से हमारा गठबंधन चल रहा था, एनसीपी ने हमेशा कांग्रेस का साथ दिया। अभी तक गठबंधन में कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे हैं, हमने बार बार कम से कम 2.5-2.5 साल दोनों पार्टियों के मुख्यमंत्री रहने की मांग की थी, जिसे कांग्रेस ने नहीं माना। गौरतलब है कि एनसीपी 144 सीटों की मांग कर रही थी, लेकिन 124 सीटें कांग्रेस देना चाहती थी, और इससे ज्यादा सीटें राजी देने पर कांग्रेस ज्यादा सीटें देने पर राजी नहीं थी। इसी को देखते हुए गठबंधन टूट गया। तो वही मौजूदा राजनीतिक हालातों के चलते महाराष्ट्र में अब चारों पार्टियों के अलग अलग चुनाव लड़ने की स्थिति बन गई है। कांग्रेस की पहली सूची जब जारी हुई उसमें उन विधानसभाओं का भी उसमें समावेश था जिसमें हमारी उनकी औपचारिक बातचीत जारी थी, और इस वजह से हमने ये फैसला किया है कि हम इस आगे आने वाले विधानसभा के चुनाव में हमारे स्वतंत्र तौर पर हम इस चुनाव को लड़ेंगे, और जहां तक कोशिश करेंगे कि जो भी समान विचार की पार्टियां हैं, धर्मनिरपेक्ष विचारों की पार्टियां हैं, उनको हम साथ में लेने का काम करेंगे, कोशिश करेंगे, और इस विधानसभा के चुनाव में फिर से महाराष्ट्र में एक अच्छी सरकार हम बना सके। तो चले, जैसे जैसे महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव नजदीक आएंगे वैसे वैसे और भी कई दिलचस्प मोड़ इस राजनीति में देखने को मिल सकते हैं। इसी के साथ फिलहाल रुक रहे हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं।